नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट एंड देसी भाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। आप लोगों को बता दें कि लगातार बच्चों को जहाँ पर हमने बोला भी था कल की वीडियो में कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे, सबसे पहले हमें ओल्ड कट ऑफ को ढूंढना पड़ा है। आपको बता दें कि पुराने कट ऑफ की PDF हमें ढूंढ की, उसके बाद पुराना पूरा जितना पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, रनिंग के लिए कितना गया था, फाइनल के लिए कितना गया था, ये इस वीडियो में बताएंगे। एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है उसके लेटर्स भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बट मेरे ख्याल से आज की वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हम कल ही निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी समय लग गया, 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर इस कट ऑफ को कलेक्ट करने में लग गया है। इसलिए लगातार चैनल पर बने रहें, जैसे स्टूडेंट भाई देसी भाई यूट्यूब चैनल पर, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय की जानकारी के अपडेट्स के लिए आप लोगों को बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पिछली बार जो रनिंग के लिए लड़कियां बुलाई गई थी, पिछली बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, बट आप लोगों को बता दें पिछली बार एज में भी शूट थी, पिछली बार बच्चे ज़्यादा थे कंपेरिजन इस ईयर के, क्योंकि इस बार जो है वो एज में शूट नहीं है। पिछली बार आप लोगों को बता दें कि जनरल के जो थे वो उनकी 26 साल तक उम्र थी, इस साल 23 साल तक है, ठीक है। पिछली बार शूट दी गई थी एज में, उसकी वजह से पुराने कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, उसकी वजह भी यहाँ पर कट ऑफ का कारण बनी थी, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम है, है ना, तो ये आप लोगों को कट ऑफ पर काफ़ी असर डालता है। बट फीमेल कैंडिडेट्स रनिंग के लिए EWS कैटेगरी की जो लड़कियाँ थी जिनके 40 नंबर आए थे 160 में से, ध्यान से सुनिएगा, 160 में से जिनके 40 नंबर आए थे उन्हें दौड़ के लिए बुलाया गया था। OBC की 40, SC की 53, ST की 32 मार्क्स थे और जनरल की 56 मार्क्स वाली लड़कियों को दौड़ के लिए बुलाया गया था। और फाइनल में कितना गया था ये आप लोगों को बता दें, फाइनल में EWS की जिसके 58 से ऊपर मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था, चाहे वो CRP में गई, चाहे वो BSF में गई, चाहे वो CSF में गई, किसी न किसी फोर्स में उसकी सिलेक्शन हो गई थी, जिसने सारी ही फोर्स यानी कि प्रेफरेंस जिसने सारी दी थी, जिसने एक प्रेफरेंस दी थी उनको मिस्टेक हुआ है। एक लड़की ऐसी भी है, ऐसा स्टूडेंट्स भी है जिसके 80 मार्क्स थे बट उसने प्रेफरेंस एक ही दी थी, उसका नंबर नहीं आया है, वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी है, लड़की फीमेल कैंडिडेट्स 82 कैंडिडेट्स वाली। तो इसलिए आपको बता दें कि फॉर्म फिल करते ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। EWS की बात करें, EWS का 58 गया था फाइनल, OBC का 40 ही गया था फाइनल भी, SC का 71, ST का 40 गया था फाइनल और जनरल का 71 गया था पिछली बार, ये मेरिट रहा था लड़कियों का, ठीक है। लड़कों का अलग से ही रहने वाला है, लड़कों का पिछली बार EWS के 40, OBC के 40, SC का 55, ST का 39 और जनरल का 64 कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स थे मार्क्स इन्हें दौड़ के लिए बुलाया गया था। फिर दौड़ के बाद जो आप लोगों को फाइनल गया है 67 EWS का गया, OBC का 55, SC का 74 और ST का 61 और जनरल का 80 से ऊपर तमाम बच्चों को फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया गया था, चाहे वो किसी भी फोर्स में जितने इतने मार्क्स थे उन्हें बुलाया गया था। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबसे बड़ा बच्चों के माइंड में है कि आप लोगों का फाइनल कितना जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, आप लोग कट ऑफ जान चुके होंगे, कल की वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है रनिंग के लिए और फाइनल कितना रह सकता है। पिछले इसी के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट ज़्यादा थे, इस बार कैंडिडेट्स बराबर हैं। इस बार फिलहाल कट ऑफ थोड़ा सा हाई भी हो सकता है, क्योंकि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग में भी गिरावट है, बच्चे तुक्के का इस्तेमाल भी करेंगे थोड़ा बहुत,